अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पकौड़ा फ्राइज। उसके लिए हमें चाहिए आलू। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। अब हम उन्हें मैजिक से कट करेंगे। 1 2 3। तो देखा मेरे आलू कैसे मैजिक से कट हो गए। तो अब हम लोग इसकी कोटिंग बनाएंगे, क्योंकि हमें पकौड़े बनाने हैं। तो उसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच बेसन, 3 चम्मच बेसन, 4। मेरे ख्याल से बस काफ़ी है। चलिए थोड़ा 1 चम्मच और डाल दिए। आपको मतलब जितनी ज़रूरत है आप उतना डाल दें। मैंने यहाँ पे 4-5 6 ऐसे चम्मच मैंने बेसन लिया, छोटे वाला चम्मच। आपको मतलब जितना डालना है आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर मैंने मुझे मिर्ची खाने का चाहता था, तो मैंने ज़रा सा और डाल दिया, लेकिन आप ज़्यादा मत डालेंगे। यहाँ मैं नमक कम डाल रही हूँ, लेकिन नमक आप आधा चम्मच डालेंगे, मतलब आधा टी स्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे, लेकिन पहले हमें इसमें पानी शामिल करना होगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। हम इसे मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो हमने फ्रेंच फ्राइज काटे थे हम उसे इसमें डाल देंगे। आप थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, अगर नहीं तो ज़्यादा डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर अच्छे से डिप करके इसे फ्राई कर लेंगे और हम इसे एक प्लेट में निकाल कर फाइनली टेस्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो जरूर फ्रेंच फ्राइज को टेस्ट करते हैं, ये बहुत मज़े के हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और मुझे बताएंगे कि आपने ये वाली फ्रेंच फ्राइज ट्राई करें और आपको कैसे लगे। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। अब आप अपने रिव्यूज़ कमेंट में देंगे। अल्लाह हाफिज।